जिला कांग्रेस भवन में अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने मरवाही चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव की जबरदस्त जीत को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का आभार जताया है। जिला कांग्रेस भवन में अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने मरवाही चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव की जबरदस्त जीत को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का आभार जताया है। मरवाही चुनाव की जीत की खुशी में मिठाई बांटी गई, फटाके फोड़कर कांग्रेसियों ने जीत की खुशी मनाई। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला के नेतृत्व में मरवाही चुनाव में 15 दिन पूर्व रायगढ़ जिले से गई कांग्रेसियों की टीम के लोग, जिसके लिए रायगढ़ विधायक के साथ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शुक्ला को भी कांग्रेसियों ने बधाई दी। जिला कांग्रेस कमेटी ने विधायक प्रकाश नायक की कुशल चुनावी रणनीति की प्रशंसा करते हुए मरवाही चुनाव की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। स्टेशन चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलदस्ते देकर जीत की बधाई दी। एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। फटाके फोड़कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया है। बहुत खुशी की बात है, 32,000 वोट से मरवाही से हमारे कांग्रेस जीता है और हमारे सीएम सर के कार्य को देखकर वहां की जनता ने कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। वहां की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने विश्वास दिखाया, उस विश्वास पे हम खड़े उतरेंगे। और हमारे सीएम साहब ने नरवा गरवा घुरवा के तहत बहुत से योजना का कार्य किया है वहाँ, और एक तो वहाँ मरवाही को जिला घोषित करने के लिए फैसला किया है, उसके लिए भी हमारे सीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे कांग्रेस के विधायक पांचों विधानसभा क्षेत्र के लोग गए और वहाँ चुनाव को एकदम से सामना किया और उसका जो नतीजा आज जनता ने दिखाया है, विश्वास दिखाया है, उसके लिए हमारे विधायक जी और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस पार्टी की, तो हम लोग निसंदेह वहाँ जाके कार्य करेंगे। आज मरवाही चुनाव का रिजल्ट आया है और मरवाही में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इससे पहले ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी में थे, तब उन वो सीट में चुनाव लड़ा करते थे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दावा था कि वो 50,000 वोट से जीतेंगे और वो दावा अमित जोगी JCC के ताकत पर कर रहे थे और ये चुनाव ऐसा लग रहा था कि JCC वाले इसको पेटी कांटेक्ट में ले लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे शून्य थी और JCC के ताकत में ये कहना चाह रही थी कि कांग्रेस को हराएगी, लेकिन मरवाही की जनता ने ये साबित कर दिया कि माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जो जनहित के कार्य किए हैं, जो गरीबों के लिए कार्य किए हैं, जो आदिवासियों के लिए कार्य किए हैं, जो किसानों के लिए कार्य किए हैं, और ये जीत विकास की जीत है, जनता के भरोसे की जीत है और ये जीत छत्तीसगढ़िया की जीत है, भूपेश बघेल की जीत है। हम लोग भी 21 तारीख से माननीय विधायक प्रकाश नायक जी के नेतृत्व में एक बड़ी टीम, 12 लोगों की टीम मरवाही गई थी। हम लोगों को लोहारी सेक्टर मिला था जिसमें 5 बूथ थे और ये सेक्टर ऐसे थे जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी और JCC के अजीत जोगी बहुत ज़्यादा मतों से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार माननीय विधायक जी की रणनीति ने, डोर टू डोर कैंपेनिंग ने और चुनावी कौशल ने इस बूथ में, इस सेक्टर में लगभग 525 वोट से कांग्रेस आगे रही है। ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, मरवाही की जीत से रायगढ़ के कांग्रेसी बहुत उत्साहित थे और सभी लोगों ने आज यहाँ जिला कांग्रेस में इकट्ठा होकर मरवाही की जीत का, के ध्रुव की जीत का, पंजा छाप की जीत का जश्न मनाया और मिठाई बांटी है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।